नमस्कार दोस्तों, एक एरोदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दोस्त लोग जानना चाहते थे कि संख्या को शोधन करके दिखाइए, तो दोस्तों संख्या मैं आज की वीडियो में आपको शोधन करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संख्या बहुत ही प्राणघातक विषय है, ये बहुत ही विषैला होता है और इसको घर पर बिल्कुल भी मत ट्राई कीजिए। कभी भी इसको बिना चिकित्सक की देख रेख या बिना चिकित्सक के अनुभव के बिना इसको बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। इसको हाथ में सीधा लेना भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन रखे। दोस्तों आज मैं आपको संख्या के बारे में बताऊंगा। दोस्तों संख्या मुख्य रूप से चार तरह का होता है, जिसमें सफ़ेद, पीला, लाल और काला संख्या होता है। लेकिन मुख्य रूप से औषधि प्रयोग में जो सफ़ेद संख्या होता है वही किया जाता है। दोस्तों संख्या जिसको हम इंग्लिश में आर्सेनिक बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 33 होता है और इसका जो एटॉमिक भार होता है वो 74.90 होता है। तो दोस्तों ये एक विष औषधि है, तो इसका प्रयोग करने से पहले इसको शुद्ध किया जाता है। वैसे संख्या को आयुर्वेद में मल या फेनास्म नाम से जाना गया है। तो संख्या जो आज मैं आपको दिखाऊंगा, मैं थोड़ी मात्रा में इसको शुद्ध करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। जब भी इसको शुद्ध किया जाता है उसके बाद भी इसका उपयोग चावल के दाने जितना ही किया जाता है या उससे कम। इसके साथ साथ एक बात और है, ये छोटी उम्र के लोगों के लिए औषधि बिल्कुल नहीं है। 40-50 की उम्र के जो लोग होते हैं, 40-50 के ऊपर ये जो लोग होते हैं उनके लिए अमृततुल्य औषधि है। उनको ये अच्छे चिकित्सक की देखरेख में प्रयोग किया कराई जा सकती है। तो दोस्तों चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ संख्या, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ इसको किस तरह से शुद्ध किया जाता है, फिर इसके जो फायदे होते हैं वो भी बताएंगे। तो चलिए आपको मैं संख्या शोधन करके दिखाता हूँ, जिसका नाम है आर्सेनिक। आर्सेनिक का उपयोग होम्योपैथी मेडिसिन में खूब किया जाता है। तो दोस्तों ये है मेरे हाथ में संख्या, ये देखने में एकदम सफ़ेद कलर का है, जो आपको मेरी शर्ट और मेरे ग्लव्स के कलर से कुछ मिलता जुलता आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको मतलब जैसे इसके हाथ टच हो जाए उसके बाद भी हाथ को साफ करके ही प्रयोग में लेना चाहिए। तो चलिए मैं आज इसको शोधन करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसका शोधन भी बहुत आसान है, इसको दूध में शुद्ध किया जाता है। तो सिंपली इसको हम शोधन करते हैं, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये सफ़ेद औषधि आपके सामने दिखाई दे रही है, इसका नाम संख्या है। संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक कृत्रिम संख्या और एक होता है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जिसको सोमल या सिमल फार बोलते हैं। दोस्तों ये संख्या जो एकदम पूरी तरह वाइट हो ये कृत्रिम नहीं होता, ये प्राकृतिक संख्या होता है जिसको सिमल फार बोलते हैं। जो कृत्रिम या सिंथेटिक संख्या होता है उसके अंदर थोड़ा पीला भाग लिए हुए कुछ बनावट सी बनी हुई होती है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले आपको सरौती की सहायता से चने के समान इसके छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं। शुद्ध करने के लिए आपको इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पहले काट लेना होता है। फिर दोस्तों आपको एक कपड़ा लेना है, जिसको सूती मलमल का कपड़ा लीजिए, उसको 3-4 तय कीजिए, उस तय में इस संख्या को डाल के और इसकी एक पोटली बनाइए, उसको धागे से अच्छे से बांध दीजिए। इस तरह से दोस्तों संख्या को दोला यंत्र में आपको शुद्ध करना होता है। दोस्तों संख्या शुद्ध करने के लिए यूनानी चिकित्सा प्रणाली में नींबू की रस की भावना देके इसको 8 घंटे तक घुटाई की जाती है और आयुर्वेदिक पद्धति में इसको 3 घंटे तक गाय के दूध में दोला यंत्र में पकाया जाता है, तो संख्या शुद्ध माना गया है। तो दोस्तों इसकी तरह पोटली बना के आप एक कोई मिट्टी का बर्तन लें या फिर कलाई की या पीतल का बर्तन लीजिए, उसमें दूध डाल दें, उसमें ये पोटली लटका दें। दोस्तों पोटली पूरी तरह नीचे टिकी हुई भी नहीं रहनी चाहिए और दूध में डूबी हुई रहनी चाहिए। दोस्तों उसमें अगर दूध कम जलता जाए तो उसमें दूध और डालते रहिए। इस तरह से आपका संख्या 3 घंटे में शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों संख्या होता है इसका कोई स्वाद व गंध नहीं होती है, ये अम्ल और तीव्र क्षारीय घोल में घुलनशील होता है, इसके अलावा ये पानी में घुलनशील नहीं होता। दोस्तों इस तरह से जब आप इसको काफ़ी देर तक उबालेंगे तो देखेंगे कि जो दूध होता है वो चाय के समान कथई कलर का हो जाता है और ये संख्या जो आपका इसमें हमने डाला था ये पूरी तरह वाइट ही रहता है और ये इसकी जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है, ये पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। जब आपको लगे कि संख्या शुद्ध हो गया तो उसके बाद इसको बाहर निकाल के 3 घंटे बाद इसको बाहर निकाल के और आप इसके गर्म पानी से धो लीजिए। दोस्तों पहले पोटली को 1-2 बार धो लीजिए, फिर उसको जब पोटली बाहर से साफ हो जाए तो उसके बाद दोस्तों पोटली का जो धागा है उसको काट के जो हमने जो गांठे लगाई थी वो खोल के अच्छे से जो इसके अंदर संख्या है उसको निकाल के फिर से 2-3 बार पानी में धो लीजिए। दोस्तों संख्या होता है वो बहुत ही बलशाली औषधि है, लेकिन ये विष औषधि होने की वजह से इसकी जो मात्रा है वो निश्चित मात्रा है, यानी उसको एक चावल की दाने से भी कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए और छोटे बच्चों में या फिर
महिलाओं में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसका विशेष प्रभाव 40 साल के अधिक व्यक्तियों में होता है, यानी जो 40 साल के अधिक व्यक्ति हों, 40-50 की उम्र लिए हुए व्यक्ति हों, उनमें ये संख्या बहुत कारगर होती है। ये मर्दानी जिस्मानी कमजोरी को दूर करता है। इसके अलावा भी इसके बहुत से फायदे हैं। हम आगे एक वीडियो बनाएंगे, खास संख्या का एक हम तिला या तेल बना के दिखाएंगे, जो कि जिस्मानी कमजोरी या मर्दानगी ताकत लाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। उसका हम एक्सटर्नल प्रयोग करके बताएंगे। दोस्तों इस तरह से खुद शुद्ध किया हुआ संख्या आप इंटरनल रूप यूज भी कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सक की सलाह के अनुसार इसका प्रयोग करें। दोस्तों इसके कई यौगिक पाए जाते हैं, जिसमें आर्सेनिक ऑक्साइड, सल्फाइड ऑफ आर्सेनिक, कॉपर कंपाउंड ऑफ आर्सेनिक जैसे पाए जाते हैं। दोस्तों ये देखिए शुद्ध संख्या जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह शुद्ध हो चुका है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। एक के आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।